कि मैं 25 साल के दौरान उन्हें दी जुबानी नहीं सुना कि फलां मेरा मुरीद है। आपने हमेशा फरमाया कि फलां मेरा दोस्त है या दोस्त है। हालांकि उन्हें दे हजारों मुरीदैन सन। पेशावर के लोग बड़ी अकीदत रखते जिस तरह कि सोने उन्हें फरमाया कि हर मकतब फिक्र दे उलमाए कराम लोग उन्होंने अकीदत रखते। उसके बावजूद आप दे कार कोई जब अजकल दे पीरां दा गुरूर तकबर जड़ा होंदा है जड़े कि प्रोटोकॉल है कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सादा लिबास सादा तर्ज जिंदगी उन्हें जिंदगी दे कार चंद पहलू बड़े अजीब है। एक जड़ा मैंने जिंदगी नोट किया कभी किसी बंदे को उन्हें तमा नहीं रखा। तमा रखा तो सिर्फ अल्लाह की जात को रखा। इसी तरह हर किसी को एहतराम देंगे उसके हसबे मरातब उस एहतराम देंगे। तो गरीब आदमी आता है तो उन्हें महसूस नहीं होता कि मैं गरीब हाँ। कोई अमीर आदमी आता है तो उन्हें कोई इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं होता है कि वह समझे कि मैं कोई बड़ी वही शह हाँ। नहीं उसका उतना ही एहतराम होता है जितना उसका रुतबा है। कोई गवर्नमेंट का बड़ा अफसर आया तो उसमें अफसर हैसीयत से मैं अपने नाल बिठाते उसी तरह उन्होंने ट्रीट कर रहे। गवर्नर आया तो गवर्नर भी उन्होंने गवर्नर का प्रोटोकॉल देता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई आम आदमी आया तो उन्होंने भी उन्होंने वही रुतबा देता है जरा कि इस वास्ते हर कोई यही कह रहा है कि मौलवी जी मेरे बड़ी मोहब्बत है। वो मेरा मौलवी जी बड़ा जबरदस्त तरीके से बड़ी मोहब्बत रिश्ता रही है। छोटी उम्र से मैं मौलवी जी के घर जाना है और ये ख्वाहिश होती है मैं मौलवी जी का कदम मुरीद दसा। 68 बैंक ज्वाइन की 70 रही मौलवी जी की गुलामी के आया और मेरा मैं फख्र है। मैं फख्र न कह सकता हाँ तो मैं मौलवी जी के बगैर जोड़ा है कि किसी आस्थाने से नहीं गया। 70 से लैके आज मेरी 70 साल की उम्र है। बस मौलवी जी ने पकड़ा है तो मौलवी जी ने जोड़ा है तो दामन पकड़ा है और मौलवी जी के घराने के नाल मेरी वापिस तक ही रही है। और मैं फख्र है तो मैं मौलवी जी ने जोड़ा थे एक उस अदना गुलामों के मैं नहीं कहना मैं मौलवी जी पुत्र कहते होंगे लेकिन मैं नहीं कहना मैं मौलवी जी के गुलामों के और मौलवी जी की बेपनाह मोहब्बत है। ए अजीम फकीह आलम बा अमल ते अल्लाह पाक दवली 10 रमजान उल मुबारक 1337 हिजरी ब मुताबिक 9 जून 1919 ईस्वी बरोज़े पीर हजरत बुरहान उल आशिकीन सैयद मोहम्मद जमान शाह कादरी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे घर विच पैदा होए। एक मुसद्दका तहकीक दे मुताबिक 10 रमजान नु पैदा होए और ओ ईस्वी साल है 1919 और इदी इस ते बड़ी तहकीक हुई है क्योंकि उस जमाने दे कार पैदाइश नोट करने का कोई निज़ाम आया लेकिन इंप्लीमेंट बड़ा का होंदा आया बड़ा घट इस्तेमाल होंदा आया। तो फिर साने इसकी तहकीक की थी और मौलवी जी ने आप भी इसकी तस्दीक की थी कि मैं रमज़ान के महीने मेरी वालदा ने मनु किया कि मैं रमज़ान के महीने पैदा होया तो रमज़ान की 10 तारीख है। तो फिर साने तहकीक की थी कि 10 रमज़ान किड़े साल आते हैं क्योंकि 1921 के कार कह किया जाने का मौलवी पैदा हुए तो तहकीक की थी तो पता लगा कि 1921 को 10 रमज़ान आया। इस वजह इस तहकीक की बुनियाद पर यह साबित होता है कि मौलवी रमज़ान के महीने 10 तारीख 1919 को पैदा हुए। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शहनशाह बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दे चौथे फर्जन सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद सन। आप दे जद्दे अमजद हज़रत सैयद अब्दुल्ला सावी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार ठठा दे फिर उन्होंने फर्जन सैयद हसन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार पेशावर दे कारे क्वार रोड ते और फिर उन्होंने फर्जन सैयद शाह मुहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार लाहौर च उन्होंने औलाद च। आप जिस तरह आपने फरमाया मजहद शख्सियत सन प्यार और मोहब्बत खलूस का एक पैकर सन बड़े जयत आलम दीन आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे वली दी जड़ी निशानियां बताई। पहली निशानी ये कि अगर आप उन्होंने चेहरे वाल देखो तो सानू अल्लाह याद आ सी।
उन्हां दी सोबत इख्तियार करो तो सानू दीन दा इलम हासिल हो सी, और अगर उन्हां दे अमल वल देखो, तर्ज जिंदगी वल देखो तो सानू योम हशर याद आ सी। ये तीनों खसूसियात उन्हां दे कार मौजूद आई हैं। भई जईयत आलम दीन आए, बड़ी किताबां दे मुसन्निफ आए, शरे बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी है, और फजाइल हजरत अली करमल्लाह के मुतालिक जड़ियाँ अहादीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी उन्होंने मुताबिक उन्होंने किताब लिखी है, और बड़ी किताबां सैकड़ा किताबां दे मुसन्निफ आए। लेकिन मनु ये शर्फ हासिल होया कि मैं 25 साल तक उन्हें दी सोबत च रही हूँ। सादगी दा पैकर है, गुफ्तार निहायत असर आया, और आप दा लिबास भी सफेद लिबास देवतन कर दे, सर्दियां दे कार शेरवानी देवतन कर दे, और जिस वक्त गुफ्तगू कर दे ते इतना असर होंदा है कि कई लोग उसी नशिस्त दे कार आपसे बैत हो जाते। जनाब सैयद मोहम्मद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप मानवी अमीर है ते लिबासी फकीर है। आप दा नाम, आप दी शख्सियत दा अकास है। देखो सरजमीन पेशावर इत्थे मौलवी बहुत सारे गुजरे, बहुत मौलवी आए ते बहुत मौलवी आसन, लेकिन मौलवी जी एक ही आए ते एक ही रह सके। आपनू ये खिताब आप दे दादा जान आका सईद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया। आप दी सीरत सानू ये बता दी है कि आप अपने नाम दे नाल शुरू च अमीर शाह फानी लिखते होंगे, लेकिन आप दे दादा जान मजकूर अलैह रहमा ने आपनू हुक्म दिता कि तुसी अमीर शाह फानी अपने नाल ना लिखो, और उन्होंने आपनू लकब अता फरमाया वे मौलवी जी। और वह मौलवी जी चूंकि अल्लाह दे वली दी अता आई, और वली दी वली नू अता आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलवी जी नू चार चंद लगाए। उन्हां दी बचपन दी जिंदगी आम लोगों की तरह ही आई। उन्हां दे खास दोस्त है ज़हूरुल हसन जिहड़े कि पेशावर दे मेयर भी रहे, ये उन्हां दे बचपन दे साथियों चों एक साथी है। उन्हां नू बड़े मुहब्बत ते प्यार दे नाल ओह पुकारदे, इसे से असीं भी उन्हां नू चाचा ज़हूर कहने आ। मैंने उन्हें एक दिन पूछा, मैंने कहा चाचा जरूर मौलवी की जिंदगी तो सामने देखी है, जवानी के कार सामने देखिए, हूँ एक नाम है, एक रोशन नाम है, ताबनाक जिंदगी है, इन्होंने बचपन तुहाड़े नाल किस तरह गुजारा है? क्योंकि मौलवी होनी बड़े शौक नाल तुहाड़ा जिक्र करते। तो कहते हैं कि मौलवी असी इकट्ठे जगह दूध के कार ही वड़े हो पले हो, सामने मौलवी ने बचपन गुजारा है, आम बच्चों की तरह साढ़े नाल खेलते, आम बच्चों की तरह सारे, लेकिन एक खसूसियत ही मौलवी की सामने कभी उन्हें करो कभी कोई ब इखलाक सी गिरी गल उन्हें मुझे बचपन में भी कभी नहीं सुनी। हमेशा बड़े नफीस और अच्छे तरीके से साढ़े नाल खेलते भी रहे, असी इकट्ठे बच्चे इस तरह असी मजाक भी करने, लेकिन कभी उन्होंने इखलाक का दामन बचपन में भी अपने हाथ के घरों नहीं छोड़ा। यह चाचा जहूर ने खुद बनू किया है। लड़कपन सतवीं जमात के काल आप स्कूल तो ड्रॉप आउट हो गए बीमारी की वजह से। वो जिन्हें अंग्रेजी की एक मिसाल है ब्लैसिंग इन डिसगाइज, पेशावर के सूबा सरहद के पाकिस्तान के लोगों में से आया, क्योंकि जो तो स्कूल तो ड्रॉप आउट हो तो उन्होंने पूरी की पूरी तवज्जो अपनी दीनी तालीम की तरफ दे दी है, और अपने आप को महसूस कर दिता है इल्म दीन के हसूल वास्ते, और फिर इल्म दीन के हसूल उस मेराज पर पहुंचे। आप तफसीर कुरान की भी लिखी है, हदीस की तफसीर भी लिखी है, रसूल अल्लाह की सीरत पे आप जहाँ किताब, मौला अली की शान के कार भी आपने किताब तहरीर फरमाई है, इसी तरह पाक की जिंदगी में भी आपने एक तहरीर, तो मुख्तलिफ तहरीर आपने की जंग, ये और नतीजा है कि आप स्कूल से निकले तो आपने जो तालीम हासिल की है उस पर बड़ी तगड़ो भी की है। तुम्हारी तालीम और तरबियत तुम्हारी घर ही हुई, ये घर आया जो रुश्त हितायत दसर चश्मा आया, जिस विच इमाम उल अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम उल औलिया हजरत अली करमुल्लाह वजहो,
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਫਯੂਜ਼ ਓ ਬਰਕਾਤ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਮੌਜਜ਼ਨ ਚਲੇ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਲੂਮੇ ਦੀਨੀਆ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਉਲ ਮਰਤਬਤ ਯਗਾਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਲਮਾ ਉਲ ਫਜ਼ਲਾ ਸੀ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਰੀਅਤ ਮੁਫਤੀ ਸਰਹੱਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਕੁਰਾ ਉਲ ਹਿਫਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜਾਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਤੇ ਵਾਕਿਫ ਇਸਰਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਰਮੂਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਮਾਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾਰ ਜਨਾਬ हज़रत अल्लामा मुफ्ती सरहद मौलाना अब्दुल रहीम साहब पोपर जई रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे उस्ताद मेरे हज़रत अल्लामा फाजिल जदीद आला हज़रत क़िबला गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे मुअज़्ज़म आए हज़रत मौलाना हाफिज़ गुलफ़क़ीर अहमद साहब, और इसी तरह मेरे असातिज़ा देशकार अकाबिर उलमा देशकारों हज़रत मौलाना सैयद अयूब शाह साहब जाफरी है, और मेरे काबिल असातिज़ा देशकार शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना हाफिज़ अली अहमद जान साहब रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहि अजमाईन, इसी तरह पेशावर शहर के जितने भी अकाबिल असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुरुनाथ जी सोबत सत साल मुसलसल रह के इस फ़कीर ने तमाम उलूम मुरव्वजा जो हासिल की जन, और इस फकीर दी सनद हदीस अल्लाह ताला दे फज़ल करम दे नाल और अल्लाह जल्ला जलालू दी मेहरबानी नाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ताईद दे नाल सनद मीरी मशहूर है जेड़ी सैयद मुहम्मद अमीर कबीर मिस्री अल अज़हरी सी जारी होंदी है। आप अपने उस्ताद की बड़ी कदर कर रहे, और जब उन्होंने नाम लांदे ना तो उन्हें चेहरे दे करो और उन्हें बॉडी लैंग्वेज तो पता लगता है कि अपने उस्तादा ने कितना एहतराम कर दे सारे उस्तादा का, खास तौर पर हाफिज़ अली अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जेडे कि सईद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मजाज खलीफा है पेशावर के कार, उन्होंने नाम बहुत मुहब्बत के प्यार के नाल लेंदे क्योंकि ज़्यादा वक्त उन्होंने उन्होंने गुजराया, जबकि आपकी सनद जी है वह मौलाना गुल फकीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के कोल हुई, और उन्होंने किया जाता सनद अमीरी जड़ी आपने इलम की सनद हासिल की वह मौलाना गुल गुल फकीर अहमद साहब को, और इनू कहते ये जी सनद है ये नबवी सनद है यानी मस्जिद नबवी सी इसकी इजरा शुरू होता तो मौलाना गुल फकीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची वो सनद, उससे फिर आपने और फिर आपके कुछ शागिर्द ऐसे हैं जिन्होंने वही शब्द उन्होंने अता भी की है, तो आप दी जड़ी दीनी तालीम है इस सिलसिले कुछ अरसे बच्चे आप देवबंद भी गए, कुछ कुछ चंद महीने उसे देवबंद रहे लेकिन उसे तालीम मुकम्मल नहीं की, वापस आ गए तो फिर ए वाला तालीम का सिलसिला उन्होंने शुरू किया जिस जगह के सारे उस्ताद उन्होंने हाफिज़ अली अहमद साहब हाफिज मौलाना गुल फकीर अहमद साहब हाफिज़ मौलाना मोहम्मद अयूब साहब मौलाना फजल रहमान साहब ये सारे उन्होंने उस्ताद है जिन्हों को उन्होंने बड़ी मेहनत के नाल 10-15 साल जरा लड़कपन आया ना वो उस तरह गुजारा है। उलूम ज़ाहिरी से फरागत तो बाद तुहाड़े वालिद ग्रामी मरतबत दे ज़ेर साया सलूको मुआरिफत दी मनाजिल तय फरमाई, वालिद ग्रामी कदर ने इस फरजंदे अर्जुमंद सिलसिले आलिया कादरिया हसनिया दी इजाजत व खिलाफत फरमा कर अपनी जिंदगी विच सजादा बना दिता। कुतबे आलम सैयदना मौलवी जी ने मशायख मुत्तकिदीन दी तरह अपने आबाई खानकाह नू ही अज़ीम शान मरकज इल्म इरफान बना दिता, तुहाने सन 1941 विच दरस कुरान दा इजरा फरमाया, इस दे नाल नाल अहादीस से नबवी फिक्के हनफी ते तसव्वुफ दी किताबां दी तदरीस शुरू फरमाई। दीन दी एक दरसगाह सी, इलम दी एक दरसगाह सी, एक अजीम दरसगाह सी जड़ा साढ़े औलिया इकराम दा दस्तूर आया तरीकाकार आया कि खानकाई निज़ाम एक दरसगाह आईयां एक यूनिवर्सिटी आईयां जिस करके तालीम और तरबियत दा बेहतरीन निज़ाम होंदा, दीन दी तालीम इस्लाम दी तालीम मुबल्लिगीन नू तैयार करना फिर भिजवाना
फिर उस इलाके की जुबान भी उन्होंने सिखाना। इस तरीके ने मौलवी जी साहब ने भी वह सिलसिला जारी रखा। इन्हें उसी खानकाह दे कार उसी बैठक दे कार बाकायदा इलम सिखाया जाता है, दसो तदरीस होंगी और कई तालिब इलम उन्होंने शागिर्द सन, कई लोग उन्होंने बड़े बड़े जय्यद लोग उन्होंने को इस्तेफादा उन्होंने हासिल किया है और उन्होंने को फारग तहसील होकर उन्होंने इस इलम हासिल किया है। हदीस का इलम, फिक्र का इलम, तरीकत का इलम, शरीयत का इलम, बाकायदा उन्होंने नशिश्तां होती हैं और मगरब के बाद आप कुरान पाक का दर्स भी देंगे बच्चे तालिब इलम। मौल साहब ना जिंदगी दे शहर के कारण जितने अच्छे रसूमात इस्लाम के मसला असि भी खत्म मुझे अपने बेटे सुल्तान आगा नाम उन्होंने आप कभी होर आवाज सुना करो को सुल्तान आगा अंदर मोरी जी नजर आंदी के बैठते बैठते ये भी एक किस्म का एक कृष्ण है ये भी मोरी जी बड़ी मुश्किल से होता है चमन खानदान ने कायम दायम रखे जेडे नकूश बोली जी बढ़ाने पे अल्लाह ताला उन्होंने औलाद इज्जत दे कुवत दे के उस नफूस को ताज़ा जिंदा रखे अता बिंदा रखना बहुत बड़ा कारनामा उसी के उन्होंने बच्चे ने और इन्होंने जो तरीकत साहिब तरीकत भी ने साहिब तरीकत कड़ी शायरी बोली रुकम नहीं की ये मन दर्द कर ये अपने दूर देशी उन्होंने के सोच जिस स्थिति नहीं पहुंचा गल है सही उदेश का मैंने के दरवाजा डिंगा के चिबरा के इसी तरह इस दरसो तदरीस का सिलसिला सन 2002 यानी 62 साल तक जारी रहा, जिसकी शहर पिशोर के नौजवान पुख्ता उम्र बुजुर्ग यकसा मुस्तफीद मुस्तफीज होते रहे। हज़रत मौलवी जी सरकार ने दरसो तदरीस के नाल नाल तसनीफ व तालीफ ते तहकीक व अशआर का सिलसिला भी जारी रखा। तुआने मुख्तलिफ मौजूआत ते तकरीबन 40 किताबा कलमबंद फरमाईया, जिन्हां विच नमाज़ मकबूल, तस्करा हुफाज़ पिशोर, तस्करा उलमा व मशाइख सरहद, तस्करा मशाइख कादरिया हसनिया, अनवार गौसिया, अनवार अली, अनवार कादरिया, शराय गौसिया, दरस कदूरी, दरस असातुल हसनिया, मकाम अहल बैत और हयात नबी जी किताबा ने इलमी ते अदबी हलकियां विच बेपनाह मकबूलियत हासिल की थी। ते इना तमाम किताबा दे काफ़ी एडिशन भी शाया हो चुके हैं। मौलवी जी ने 64 पेशावर छापी है, उस उन्होंने उस मुश्किल दौर जिस वक्त इतने वसायल भी नहीं है, इतनी सहूलत भी नहीं है, मौलवी जी ने 300 आफ़ जमा किए और सारे इतनी सहूलत के बावजूद जिहड़े है ते 250 आफज असी जिहड़े इस किताब विच ऐड नहीं कर सके और वह किताब जिहड़ी है ते सन 2006 साने शुरू की है ते उसकी कंपटीशन जिहड़ी है तकरीबन 2014 ले साने छापी है। उस किताब 10 साल सानू तकरीबन 7-8 साल जिहड़े उस किताब की तैयारी दे भी कंपोजिंग दे भी ते इसका भी लगे। इसी बात साड़ी और ख्वाहिश है मौल जी के और कि कम मौल जी ने छोटे छोटे किताबचे लिखे है, आज से 75 साल पहले मौलवी जी ने नमाज मकबूल लिखी है, इसी तरह मौलवी जी ने कई किताबचे लिखे छोटे छोटे जड़े के बिल्कुल साढ़े उस मुताबिक अकीदे के मुताबिक है लेकिन जो अवेलेबल नहीं है। मौलवी जी की सबसे पहली किताब जड़ी नमाज मकबूल है तो सबसे आखिरी जड़ी किताब जड़ी है नमाज जनाजा के बाद हुआ और इस किताब एक तसव्वुफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सीरत सलूक इला मलक अल मलूक। तकरीबन 1992 के बीच मौलवी जी ने उसका तर्जुमा किया है जिसे 10 बाब
और अलहसन जो किश्तवार छपती रही है सारे इस किताब में जड़े उसको शामिल किया है। जवाहर अमीरिया उस किताब में नाम दिता है और मेरी ख्वाहिश है कि मुरीद हर मुरीद के हाथ से जड़े जितने मुरीद किताबचे या रिसाले है उसके हाथ से जड़े ने किताबी सूरत जड़े पूछ। इस अलावा मुरीद ने एक दर्स दिते है जी बड़े इंपॉर्टेंट 98 और 99 मुख्तलिफ मौजूआत दिते कुरान मजीद और हदीस की रोशनी के इन्हों की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और अनवर शाह साहब ने काफ़ी मेहनत के नालू जड़ा है कलम बंद किया है ये किताबी सूरत डाले और एक किताब सने जी फिर मेरे एक दोस्त कराची के कार्डियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े इसहाक पराचा उन्होंने मैं किया भाई तू किताब मैं भेज तो मैं छाप सा और फिर किताब उन्होंने दरसाते दरसाते हसनिया की सूरत उन्होंने किताब छापी। तसव्वुफ दे हवाले नाल पिशोर दा सब तो पहला मुजला अल हसन दी अशाद दा एजाज भी मौलवी जी सरकार नूं ही हासिल आया। सैयद ना मौलवी जी दी जिंदगी मुकम्मल तौर ते सुन्नत नबवी ते गुजरी। तुहाडी शख्सियत हुस्न जमाल सीरत व किरदार इल्म व फजल खलूस तकवा व अताअत शराफत व सखावत तवाज़ु व मरव्वत मोहब्बत व शफकत जुर्रत व हकगोई ते फिक्र व अंदेशी दा एक दिलकश मजमूआ है जिस दे दरवाजे हर आम व खास वसे हर वक्त खुले रहंदे है। प्यारे नबी दा फरमान है अल फकर फखरी मनु फिक्र ते फखर है। मौलवी जी सरकार दी जिंदगी भी एक फकरी जिंदगी आई। हुजूर ने फरमाया ना कि जिसने आजजी की थी अल्लाह ने उन्हें बुलंद किया। मौलवी जी सरकार ने हमेशा मैंने आजिज के तौर पर पाया हालांकि वह दिलों के इकतदार रहे दिलों के मुख्तदिर रहे दिलों के इकतदार रख दिए दिलों की सल्तनतों के उत्ते इकतदार रख दिए लेकिन उन्होंने अंदर कमाल आजजी आई। जब कोई बंदा उस नाल मिलता हों तो यकीन करो कि उन्होंने आजजी का मुतरफ हो जाता है। कमो बेश 32 किताबों के मुसन्निफ और मुअल्लिफ है लेकिन उन्होंने गुफ्तगू ऐसी होंगी कि आम बंदा भी उन्हें गुफ्तगू बड़े आसान तरीके से समझ आलिम आलिम के तरीके से मिलते आम बंदे आम बंदे की हैसियत उन्होंने गुफ्तगू होंगी। फाइनल माल यफनी अन करीब बेशक माल जड़ा वे ओ मिटने वाला वे फानी होने वाला है वह इन इल्म यबका ला यज़ालु और इल्म रहसी और कायम रहसी। अज मौलवी जी हुज़ूर दा असीं जिक्र क्यों भी करने उन्होंने इल्म की वजह नाल उन्होंने हिल्म की वजह नाल उन्होंने आजजी की वजह नाल उन्होंने फैजाने अखुवत और मुहब्बत की वजह नाल कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया है इतना जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने बुलंद सी बुलंद तर कर छोड़ा वे और उन्होंने जिक्र इस तरह जारी रह सी और अज उन्होंने पर्दा पाने से बाद भी एक अशर से ज़्यादा वक्त गुजरने से बाद भी लोग मौलवी जी मौलवी जी मौलवी जी भी करते हैं बल्कि पेशावर की शिनाख्त मौलवी जी ये मेरी गल याद रखो कि 19वीं सदी ईस्वी के जो भी पिशोर की तारीख का जिक्र हो सी वह तारीख मौलवी जी साहब के जिक्र से बगैर नामुकम्मल हो सी। देखो गलां करनियाँ किताबा लिखनियाँ तकरीरां करनियाँ ये ठीक है कितना आसान कम नहीं गा लेकिन आपनू अमली तौर पर उन्हें गलों का प्रैक्टिकली आपनू बताना उस तरह यह बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने जिस तरह मौलवी जी साहब तकरीर देखा जिस तरह उन्होंने लोगों ने उन्होंने तहरीर देखा वे उसी तरह मौलवी जी साहब उन्होंने अपनी अमली जिंदगी भी देखा वे। मौलवी जी सरकार की सबसे बड़ी क्वालिटी यही जी थे उन्होंने फकीराना जिंदगी बसर की थी फकर और इश्क रसूल उन्हें कुट कुट के पराया इश्क रसूल ने किसी चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करते। दूसरा मैं कहना जी मौलवी जी ने जब्त आया मौलवी जी मेरे मैं इस चीज़ को क्या बयान कर सकता लेकिन अक्सर लोगों से मैंने सुने कि मौलवी जी जड़े कुतबियत के आला तरीन मायार देते फायज है लेकिन उन्होंने कभी अपनी बुजुर्गी जाहिर होने नहीं दिता। मैं मौलवी जी के तकरीबन 50 साल से डायरेक्ट अटैच रही हाँ लेकिन मौलवी जी अलैह रहमत के मुँह जो कोई इजी नहीं सुना तो भाई मैं कोई गल की जानी मौलवी जी फरमाने अल्लाह खैर कर सी और अल्लाह खैर कर सी कहने है अल्लाह ताला बिल्कुल खैर कर दे। सैयदना मौलवी जी अपने नाम से कबल ब्रैकेट विच फकीर लिखा कर दिया है। मौलवी मुर्शद मुअल्लम सैयद आगा अमीर सैयद अशरफ होकर खुद को लिखता था फकीर।
मौलवी जी, सरकार न सिर्फ आप सरकार दो आलम नाल मोहब्बत कर दे आए, बल्कि इस सरजमीनी पिशोर विच मिलाद मुस्तफा दी बुनियाद रखने वाले भी उन्हां दी शख्सियत आई। सरकार दो आलम नाल मोहब्बत दा ए आलम आया कि पिशोर नू रसूल पाक दी मोहब्बत फैलाने विच उन्हां दा बहुत वड़ा किरदार आया। मौलवी साहब ने दो चीज़ां ते बहुत ज़्यादा जोर दिता है अपनी तालीमात विच, कुरान और हदीस दे उत्ते, और इसी कुरान और हदीस दी तालीमात दा नछोड़ मौलवी साहब दी तसानीफ विच भी है और रिसालत भी यही चीज़ होंगी। सुबह से लेके शाम तक दरस कुरान का सिलसिला चलता रहना है। कुछ तालिब इलम ऐसे है कि सुबह आंदे वो नाश्ता कर दे मौलवी साहब के नाल ते वो कुरान पढ़ दे, फिर 10 बजे के टाइम ते शहर के मुख्तलिफ आइमा मसाजिद मस्जिदन जड़े लोग इमामत कर दे वो आ जाते, उन्होंने वत मौलवी साहब कुरान पढ़ा दे। 12 बजे तक यह सिलसिला चलता रहना है। शाम सी बाद वत एक आम दरस होंगे दरस कुरान, उस हर तबके फिक्र दे लोग आते, एक छाबड़ी फिरोश सी लैके तो उस आला अफीसर तक इंजीनियर डॉक्टर्स तक हर किस्म का तबका उस आके थे शामिल, प्रोफेसर तक उस आते। वो दरस वो तकरीबन मौलवी साहब ने 1941 से शुरू किया है तो 2002 तक जारी रहा है, तो 1977 से लैके तो तकरीबन 2002 तक मनु भी उसी इस्तीफादा करने का शर्फ हासिल होया है। ये तमाम जितने भी मौलवी साहब ये तसनीफात उन या तकरीरन या अल हसन या दीनी जितनी भी खिदमात उन एक ही नुक्ते दे गिर्द वो सारा सिलसिला चल रहा है। मरकजी नुक्ता इन्हों का इश्क रसूल है। मौलवी जी, सरकार हजूर पाक दी शान च नात लिख दें ते फरमान दें, मदीने की हवा है और मैं हूँ, मोहब्बत का समा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों का सदका ये जन्नत की हवा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों में सर है, गुनाहों की जबी है और मैं हूँ, कहाँ मैं और कहाँ दहलीज है ये, मेरी किस्मत है आला और मैं हूँ, मुझे भी खादिमों में गिन के रख लो, ये सुफा में दुआ है और मैं हूँ, तेरी सूरत के मैं कुर्बान जाऊँ, हरम की ये अता है और मैं हूँ, है किस्मत और मुकद्दर मेरा अपना, हजूरी है हजूरी और मैं हूँ, इनायत की कोई हद भी है मुझ पर, रसूल पाक का मिंबर है और मैं हूँ, हरम के सहन से गुम्बद को देखा, मेरे दिल की चला है और मैं हूँ, करम की एक तमन्ना है तुम ही से, सयाहकारी है मेरी और मैं हूँ, मोहब्बत की नज़र से देख लो तुम, तलब है एक नज़र की और मैं हूँ, मुकद्दर है मेरा बालो बरतर, है जन्नत का ये टुकड़ा और मैं हूँ, जबी है और मुसल्लाए नबी है, ये बख्शिश है अता है और मैं हूँ, ये अनवार व तजल्लियात तेरे, ये जाली की ज़िया है और मैं हूँ, तेरे दीदार के सदके मैं जाऊँ, मिना की ये अता है और मैं हूँ, हुआ हाजिर दोबारा दर पे तेरे, ये रहमत की अदा है और मैं हूँ, अमीर बेनवा है और मदीना, इनायत है अता है और मैं हूँ। ओ आलम बा अमल है, मैं अर्ज की थी ना कि हर वली आलम जरूर हो सी, हर आलम वली नहीं हो सकता, आलम बा अमल है, उन्होंने ज्यादा खिताब नहीं किया, अमली सूरत बताई उन्होंने, दीन दे उते, शरीयत दे उते, शरीयत तो तरीकत, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं गई, आपने अमल करके दिखाया, आप दी सूरत, आप दी सीरत, आप दी गुफ्तार, आप दा किरदार तमाम शरीयत दे मुताबिक होता है। पिशोरिज मिलाद मुस्तफ़ा दे जलूस दी शुरुआत ते सरकार दुआलम दी हमद सना शुरू करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए। 1943 से बज़ में मिलाद पिशावर कायम की थी और इतनी पिशावर सिलसिला शुरू होया है, मिलाद शरीफ का और जुलूस निकलना शुरू होया है, यकतूत शरीफ से मौलवी साहब दास्तानी से जुलूस निकल के और पूरे शहर फिर के वापस मुंडभेरी आंदा है, इत्थे आके वो वत जलसे दी शिकल अख्तियार कर लेंगे। ये 9 रबीउल अव्वल मौलवी साहब का तरीकेकार ये है कि 9 रबीउल अव्वल में मिलाद शरीफ का जुलूस होंगे। 1943 से लैके तो 1954 तक ये सिलसिला चलता रहा है। 1954 आगा सैयद जफर अली शाह साहब ने इदारा तबलीग उल इस्लाम कायम किया,
एक साल दो जुलूस निकले 1954 नौ नौ मौलजी साहब ने कढ़ाए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ नौ आगा जफर शाह साहब ने कढ़ाए तो 12 जलसे भी उन्होंने किए तो मौलजी साहब 12 नू भी शामिल होए 12 दे रबीउल अव्वल नू आगा जफर शाह साहब के जुलूस भी शामिल होए और अगले साल मौलजी साहब ने अपनी जी तनजीम है उस खत्म कर दिता है खत्म करके इदारा तबलीग उल इस्लाम इंतजाम कर देता है। अच्छा बारिश पेगी और फिर तकरीर भी कर दी जी मैं तकरीर कभी लेफ्ट राइट कभी नहीं देखी तुरंत तिलावत कर देना तर्जमा कर देना सी बारे निकल दूर से जिंदे अल्लाह ने टाइम की थी ऐसा भी नहीं कर सकता बड़े बड़े मौलिया मेरे को तो पता ना तो 50 साल मनु हो गए लुट खरा जाने जिंदगी गुजरी मैं 20 साल नया थे एक मौली जीवन देखे करा दे कोई चीज मिली ये नहीं कि मैंने मिली अपनी शायद मिल जाए उन्होंने संभाल के रख सकता पिशोर शहर जमीयत सादात बनाने वाले ते तमाम सादात कराम नो इकट्ठा करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए। मौलवी जी ने हर मकतबे फिक्र दे नाल ताल्लुक रखने वाले तमाम सादात नो एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया। मौलवी जी नो ए शर्फ हासिल आया कि हर मकतबे फिक्र दे नाल ताल्लुक रखने वाले तुहाड़ी बहुत कदर मंजिलत करदे आए। अज दे दौर विच भी जिथे फिरका वारियत ते मसलकी तासुब ने लोगों नू अंधा कीता होया वे ते लोगों दी अक्सरियत इस्लाम दी मोहब्बत ते इंसानी कदरां सी हट के फरूई इख्तलाफात दे शिकार हो गए हुए लेकिन मौलवी जी साहब अहले सुन्नत ते अहले तरीकत दे मुस्तनत आलमी दीन ते रूहानी पेशवा होने दे बावजूद फिरका वारियत ते मसले की तासुब सी बालतर रहे ते दीन इस्लाम दी मुस्बत अंदाज विच तरवीज ते अशात करदे रहे। जेकर मौलवी जी दी शख्सियत ने यकीन दे जेड़े खिलाफ लोगों नु भी मौलवी जी मैं कहना मन दे देखो ना टीट होवे जी रोजा होवे जब तक मौलवी दे घर मैं कंफर्मेशन नु करा आस्थाने शरीफ ते मौलवी साहब दे कोल जिस तरह मैंने अर्ज किया मैं इतनी होने आस्थान शरीफ के मौलवी साहब के कोल ही बैठे रहने तो उत्थी इन्होंने गलां कथा कीतियां कि जी इस तरीके से सादात की कुछ एक तंजीम होनी चाहिए इकट्ठा होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि सादात आपस में जान पहचान नहीं होती आपस में जान पहचान हो एक दूसरे की मदद करो तावन करो एक दूसरे के नाल मौलवी साहब दे उसी उत्थी इन्होंने सलाह मशवरा किया तो उसी बाद एक मीटिंग हुई है मौलवी साहब आस्थाने की जिस वक्त कुछ तकरीबन 30-40 सादात पेशावर दे जिन्हें आगा लियाकत अली शाह साहब भी है आगा जफर अली शाह साहब भी है आगा ताजमीर शाह साहब भी उस मौजूद है और भी सादात किराम उत्थे उस मीटिंग वक्त इन्होंने बाकायदा तंजीम का एक फैसला किया है लेकिन उस फैसला नहीं हो सका कि ये मसलक की बुनियाद पर हो सियासत की बुनियाद पर किस तरीके अगली मीटिंग ताजमीर शाह साहब दार हुई है तीसरी मीटिंग उस मीटिंग बाद यह फैसला होया फैसला आखिर यह होया कि ये मसलक सी और सियासत सी बालातर हो इस हर मसलक चाहे सुनी है सुनी दे अगर बरेलवी मसलक दे नाल ताल्लुक रखता है देवबंदी मसलक दे नाल ताल्लुक रखता है या मतलब इन्हें कि अहले तशीयो दे नाल ताल्लुक रखता है या अहले हदीस है भावें कोई भी लेकिन सैयद है आले रसूल दे नाल उसका ताल्लुक है तो उन सब नु एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाए एक गुलदस्ता बढ़ाया जाए। मौलवी जी सरकार की जिंदगी के काफ़ी पहलू अगर असी उन्हां दी सियासी पहलू की गल करिए तो उन्हां दा ताल्लुक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नाल आया ते सूबे सरहद दे सदर आए पहले दिन से जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान बने उसके बुनियादी रुके ने मौलाना कमरुद्दीन शाही साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह मंदूरानी साहब जनाब कौसर न्याजी साहब सॉरी अब्दुल सत्तार न्याजी साहब इन्ह लोगों के नाल मिल के इन्होंने जे यू पी की बुनियाद रखी है और शुरू से ही सुबह सरहद जे यू पी के सरबराह हैं
और सीनियर नायब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान दे और नजरियाती तौर पर इस चीज़ के काले कि अल्लाह और उसके रसूल दी अहकाम की पाबंदी की जाए उस वजह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और हमेशा इसी जमात के नाल वाबस्ता रहे। इसी सिलसिले जिस गत मुतहदा मजलिस अमल बड़ी है MMA उसके पहले सरबरा सुबह सरहद उस अजकल खैबर पख्तूनख्वा है उस जमाने सुबह सरहद कहलाता है उसके पहले सदर है और उसका पहला इजलास भी साढ़े खारिज मोदी ने कराया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 विच मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत पे कब्जा कर लिया। ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत को तूल देने वास्ते मजलिसी शूरा बनाई ते मुल्क भर से उलमा फजला दानिश्वर सियासतदान वडेरे सनतकार पीराने उज़ाम ते दीगर मुक्तदर शख्सियात नु उसकी रुकनीयत वास्ते नामजद किया। सैयदना मौलवी जी नु भी इस मजलिसी शूरा विच शामिल किया गया है। तुसी उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान दे सूबाई सदर आए जिहड़े मेहमान तुहानू शामिल करने वास्ते आए आ तुहाने उसकी खातिर मदारत करने तो बाद फरमाया साने तहरीक के निजाम मुस्तफ़ा इस वजह से नहीं चलाई कि फौज आकर कब्जा कर ले। ज़ियाउल हक चूंकि गासिब है लिहाजा मैं किसी गासिब का साथ हरगिज नहीं दे सकना हूँ। सैयदना मौलवी जी एक दरिया की मानंद है जिससे तुशनगान इल्म मुआरिफत हम वक्त सैराब और फैजियाब होंगे है गुरबा मसाकीन ते बेसहारा वसे तुसी सरापाए रहमत ते हिकी जी पना गाए हो जिस दे साए विच आंदे ही उन्हां दे रंजो गम दुख दर्द ता मदावा हो जांदा है। दुनिया भर दे सताए ते ठुकराए लोगां नूं उन्हां दे आस्ताने विच आकर सकून ते इत्मीनान महसूस होंदा है। मौजूदी पहली हवाज ते जाने लगे ए 1968 दा वाकया है। उस जमाने मौजूदी ने प्रोग्राम बनाया कि मैं बाय रोड आज पिशौर सी बस से बैठने काबुल गए काबुल से फिर मशहद गए मशहद से फिर तहरान गए तहरान से फिर गए इराक तो 40 साल हुजूर उस पाक दे रोज़ा मुबारक दे उते तो 40 दिन हुजूर उस पाक दे रोज़ा मुबारक ते रहे मौला अली दी इजाजत ते रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इजाजत ते रहे उन्होंने हाजिरी दी है सारे इमामों ने उठे इराक दे कर तमाम ज़ियारतां ते गए और पूरा तकरीबन को 1.5-2 महीने उन्होंने इराक के घर गुजारे उस से फिर आप हजते गए। आज से एक रात पहले का वाक्य जिसे कहा मैं गवाह हूँ कि एक बंदा आया पिशावर का बड़ा सरमायादार मैं उसका नाम उल्टी लेना चाहता बड़ा सरमायादार बंदा आया तो आया तो आगे कहता जी मुझे जी मैं थोड़ा बचपन का साथी हूँ तो कल तुम हजते पे जाते हो तो मेरा थोड़े काम लेते मैं उन्होंने गले आओ मौजी को बड़े लोग बैठे मौजी ने मनु कि आ तो असं दूसरे कमरे चले गए। उसने जेब के घरों इतने बहुत सारे पाउंड कड़े तो मौलजी ने कहा कि मेरे प्यो से जाकर थे दुआ करना। मौलजी ने बड़ा अजीब उन्हें जवाब दिया है कहने तू मेरे को पैसे लै के आया कि मेरे हज न खरीदने मैं हज का कर रहा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी तो मैं आपने से हज कर रहा लेकिन एक मेरी गल याद रख तेने पैसे नेक रस्ते वैसे कड़े इन्होंने तो आप लोग संभाल के रख लें मैं आज तो वापस आया जब आप इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि लोग मुझे ना मोहब्बत क्यों कर दे उस आदमी ने वो पैसे संभाल देते खुदा का करना कि एक दो साल बाद एक गरीब आदमी आया है पेशावर का बड़ा एक बाहर आ जा उसने कहा कि मोदी मेरे को पैसे नहीं गए तो मैं अपनी दीदा ब्याह कर दूँ उन्हें कहा तू कल आनी तो मनु बुलाया ने मनु कहा तुम्हें याद है तो फलाने आदमी ने कुछ पैसे इस काम से रखे इस बंदे नूं नाल लै के उहदे कोल जा वो पिशावर का बड़ा मशहूर तो बड़ा अमीर आदमी है इन्हों नाल लै के जा तो उसनूं कह के मौलवी की जिहड़ी अमानत है ना वो इन्हों दे दे मैं उस बंदे नूं नाल लै के गया वो बंदा भी बड़ा अजीब आदमी है उसने पैसे उसी तरह ही रखे उन्हें मतलब पौना दे रुपया बढ़ा के उस बंदे नूं दित्ते तो उसकी बच्ची का ब्याह हो गया। मैं उन्हें खुशनसीब लोगों तो जा शबीर साहब कि मैंने हुजूर मौलवी जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जिहड़ी सेहतमंदी का आखिरी साल है तो मुकम्मल तौर से सेहतमंद है आखिरी साल जिहड़ा उन्हां दा आया मैंने उन्हां दे दामन गोहरबार सी बहुत कुछ समेटा मैंने उन्हें सी बहुत कुछ हासिल किया है मेरे नाल बहुत प्यार करदे हुंदे बहुत मुहब्बत अता फरमाते हुंदे और उन्हां दी मेहरबानी वो फारसी दे विच कहंदे होणगे मन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी को मन्नत शना सजो के बखिदमत बेदाश्त ए ना मान ए ना जान के बादशाह की खिदमत पे करने ए जान ते ए मन के बादशाह तेरे सी खिदमत पे करवाना है। मेरे सी मौलवी जी हुजूर सरकार अलैहि रहमत ने
मेरी कम इलमी के बावजूद मजामीन लिखवाएं मेरे से आरा लेंदे आ ना कि मैं अपनी कम इलमी का पूरा एहसास है मैं उन्होंने मुकाबले कतरा भी नहीं गा और बहरे बेकरां है लेकिन वो मेरे जी कम इलम के नाल भी इलमी गुफ्तगू कर देंगे और मनु भी शायद एहसास देते होंगे कि मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ तू भी कह दे कि ये हमारा है। लाइलाज तो मायूस मरीज आकर उन्होंने आस्थाने ते शिफा पाते हैं। हजरत मौलवी जी सरकार 85 साल की उम्र 12-13 रमजान की दरमियानी शब 1425 हिजरी ब मुताबिक 17 अक्टूबर 2004 नू इस जहान ने फानी सी पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सूरत इलाही किस जा बरसतियाँ हैं अब जिनको देखने की वो आँखें तरसती। वो एक ऐसी अजीम हस्ती आई कि जिन्होंने अपने असलाफ दे नक्शे कदम ते चलते हुए उन्हां दी उन रवायात नू कायम करते हुए दीन दी तालीम और दीन दी इशाद दी पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने वक्फ कर दी। तुहाड़ी वफात नाल ही पिशोर दे हर एक घर विच सफे मातम बिच गया है। मौलवी जी सरकार दी जुदाई ते फिराक नू हर मर्द जन पीर और जवान ने खून दे रिश्तियां सी बढ़ के महसूस कीता। ते सवालेहाना मोहब्बत दे मंजर नू दुनिया वालियां ने नमाज जनाजा विच शामिल लोगां दे ठाठे मारदे होए हुजूम दी सूरत विच मुलाहिजा कीता। ए जनाजा पिशोर दी तारीख दा सब तो वड्डा जनाजा आया। तुहाड़े आखिरी सफर ते रवानगी दे उत्ते खातिर गजनवी फरमांदे ए चराग दो दमान गौस लाजम अलविदा शहर भर में है बपा एक शोरे मातम अलविदा ए मेरे मुर्शद मेरे आलिए मुअल्लम अलविदा ए मेरी नगरी के शहंशाह आजम अलविदा। मौलवी जी सरकार नू अपने जद्दे अमजद पीर सैयद हसन बादशाह दे मजार दे अहाते विच दफन कीता गया। उन्हां दा मजार अज भी हर आम ओ खास वसे खुला वे ते उन्हां दे चाणे वालियां दा उन्हां दे मजार ते हर वक्त रश लगा हुंदा वे। हर साल 13 रमजान उल मुबारक नू मौलवी जी सरकार दा उर्स मनाया जांदा वे ते हुण उन्हां दी तालीमात दा सिलसिला उन्हां दी औलाद ने भी जारी रखवाया वे। मौलवी जी सरकार दी तालीमात आने वाली नस्लां तक जिंदा रह सन। मौलवी जी दी कमी शहर पिशोर कई सदियां तक महसूस करदा रह सी। अल्लाह पाक दे ए वली अज साडे दरमियान मौजूद नहीं लेकिन उन्हां दी तालीमात ते अफकार अज भी जिंदा हुन क्योंकि अल्लाह पाक अपने बुरगुजीदा बंदियां नू जिन्हां ने अल्लाह दी दीन दी खिदमत कीती हुंदी है उन्हां दे जिक्र ते उन्हां दे नाम नू हमेशा जिंदा रखदा वे।